Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and you are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Welcome back to another new video. So now we discuss about centrosome and centrioles. सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल्स में बताऊंगा। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट वी रीड फर्स्ट रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आफ्टर दैट एलोब्रेट ईच एंड एवरीथिंग बट सिंपल एंड इजी वर्ड्स। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्या हुआ, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स आज का हमारा टॉपिक है। तो सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम इज ए ऑर्गेनल्स। सेंट्रोसोम जो है क्या है, एक ऑर्गेनल्स है, यानी एक कोशिका का भाग है, यानी कोशिका का पार्ट है, ठीक है। यूजली कंटेनिंग टू सिलेंडर, है ना, यूजली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स बोलते हैं इसे। दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलस मटेरियल। और ये जो सराउंड होते हैं सेंट्रियोल्स, जो सराउंड होते हैं वो किससे सराउंड होते हैं, एमॉर्फस पॉली सेंट्रियोलस, एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलस, है ना, एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रियोल्स के चारों तरफ। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, है ना, चारों तरफ, चारों तरफ ये सराउंड होंगे किससे, एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से। बोथ सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम, है ना, बोथ सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच हैज ए ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, है ना। जो क्या इसमें बताया हमको, ये बताया कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं लाइज इन सेंट्रोसोम में एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर लाइज होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लाइज होंगे, तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये कार्टव्हील यानी गाड़ी के पहिए के तरीके ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्ट व्हील क्या होता है, बैलगाड़ी का पहिया, क्या मतलब होता है इसका, बैलगाड़ी का पहिया, है ना, बैलगाड़ी का पहिया जो होता है इसी तरीके का हो जाता है, ठीक है। इसी का मतलब ये होता है, बोथ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील, यानी गाड़ी के बैलगाड़ी के पहिए के तरीके ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा उसमें, वैसे दिखेगा, है ना। दे आर मेड अप ऑफ द नाइन इवेंचुअली स्पेसेस, है ना, ये बने हुए होते हैं नाइन इवेंचुअली स्पेसेस, इवेंटली स्पेसेस, सॉरी नाइन इवेंटली स्पेसेस, है ना, इवन इवन ऑट हम सभी जानते हैं, है ना, इवेंटली स्पेसेस पेरीफेरल फाइबर्स जो कि बने होते हैं किससे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। अब इसके क्या हुआ, ये जो बने होते हैं किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, है ना, क्या हुआ, सेंट्रोसोम जो होते हैं, है ना, सेंट्रियोल्स जो होते हैं किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, याद रखेंगे। ईच ऑफ पेरीफेरल फाइबर्स इज ए ट्रिपलेट, है ना, जो हमारे सीलिया फ्लैजला थे वो डुप्लेट थे, बट इसमें क्या है, पेरीफेरल्स जो फाइबर्स हैं इसके, ये कैसे हैं, ट्रिपलेट हैं, कैसे हैं, ट्रिपलेट, यानी तीन दिन का अरेंजमेंट होगा, ऐसे ऐसे, यानी तीन दिन का अरेंजमेंट होगा ट्रिपलेट में, बट सीलिया फ्लैजला में क्या था, दो दो का अरेंजमेंट है, यानी डुप्लेट में था, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, है ना, जो अगल बगल के ट्रिपलेट होंगे वो भी एक दूसरे से कैसे होंगे, जुड़े हुए। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, आसपास वाले, है ना, अगल बगल वाले, कैसे, अगल बगल वाले, एडजेसेंट का मतलब यही होता है, एडजेसेंट का मतलब अगल वाले, बगल वाले जो होंगे ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट के अरेंजमेंट में है तो इसका जो जुड़ा होगा इस लिंकर से ऐसे जुड़ा होगा, फिर उसके बाद जुड़ा होगा तो फिर ऐसे भी लिंकर से जुड़ा होगा, तो इसका मतलब यही, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, अगल बगल वाले भी ट्रिपलेट जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल्स इज ऑल्सो प्रोटेनेशियस कॉल्ड हब, है ना, जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, सेंट्रल पार्ट होगा प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल की तरफ, मान लो ये सेंट्रियोल्स हुआ, है ना, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट हुआ तो ये जो बीच में होगा, है ना, ये जो ऐसे अरेंज होगा कार्टव्हील के पहिए के तरीके, ऐसे अरेंज होगा, ऐसे अरेंज होगा, जो सेंट्रल पार्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, हब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हब बोलेंगे, हब मतलब होता है धुरा, है ना, धुरा इसका।
धुरा बोलते हैं, और जो उसमें था सीलिया और फ्लैजला में जो मिडिल का पार्ट था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एक्सोनिम बोल रहे थे, है ना, बीच का जो पोर्शन था उसको एक्सोनिम बोल रहे थे। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रल आल्सो प्रोटीनिशियस होता है, यानी प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ हब होता है, क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ हब होता है, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूबुल्स, जो कि कनेक्ट करता है, विच इज कनेक्ट विद ट्यूबुल्स ऑफ द पेरीफेरल ट्रिपलेट बाई रेडियल स्पोक मेड ऑफ अ प्रोटीन, है ना, जो कि हब क्या कनेक्ट करता है। मैंने आपको बताया कि ऐसे अरेंज होगा, ये यहाँ पे धुरा हो जाएगा, ये ऐसे 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 होगा, ठीक है, ये कार्ड बिल बन गया। तो क्या हुआ, ये हब जो कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा ट्रिपलेट बाई रेडियल स्पोक, है ना, ये रेडियल स्पोक से भी ट्रिपलेट को कनेक्ट करेगा, जो कि जो स्पोक बने होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्पॉक जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, तो हम बोलेंगे स्पॉक जो बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी सीलिया एंड फ्लैजला, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो उनका काम क्या होता है, वो सीलिया यानी सेंट्रियोल जो होंगे फॉर्म बेसल बॉडी, यानी बेसल बॉडी बनाएंगे किसकी, सीलिया और फ्लैजला की, क्या करेंगे, ये बेसल बॉडी बनाएंगे, है ना। एंड स्पिंडल फाइबर्स, और क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे काम आएगा, स्पिंडल फाइबर जो हमारा सेल डिवीजन होता है तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं सेल डिवीजन में। मैं आपको अच्छे से बताऊँगा इसके सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी और सीलिया फ्लैजला, सेंट्रियोल्स जो होते हैं सीलिया और फ्लैजला की बेसल बॉडी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। डेट गिव राइज टू स्पिंडल, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे तो उससे क्या बनेगा, स्पिंडल निकलेंगे, है ना, स्पिंडल क्या होंगे, स्पिंडल अपरेटस बनेंगे, है ना, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेगा, स्पिंडल अपरेटस बनाएगा। अपरेटस का मतलब होता है एक यंत्र, समझ लो, है ना, यंत्र मतलब स्पिंडल फाइबर्स है तो वो क्या देगा, इसमें स्पिंडल अपरेटस होंगे, जो कि ड्यूरिंग कहाँ पर बनेंगे, सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पिंडल फाइबर्स कब बनते हैं, यानी उसका काम क्या होता है, कहाँ पर हेल्प करेंगे, वो सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। सेल डिवीजन कहाँ पर, इन एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में वो सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। हमको एनसीईआरटी में इसका कोई फिगर नहीं दिया गया है, है ना, हमको एनसीईआरटी में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का कोई फिगर नहीं दिया गया है, तो इसमें फिगर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो सीलिया और सॉरी जो सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना, इनका काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प कराते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प कराएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, ये सीलिया उसकी बेसल बॉडी बनाएंगे, सीलिया और फ्लैजला की बेसल बॉडी बनाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब और इसमें क्या हो सकता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये ट्रिपलेट के अरेंजमेंट में होते हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये इनका जो ट्रिपलेट के अरेंजमेंट में होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, फाइबर्स के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इनके जो सेंट्रियोल्स में बीच का रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हब बोलते हैं, है ना। ये ट्रिपलेट जो कनेक्ट होंगे किसके कनेक्ट होंगे, रेडियल स्पॉक से कनेक्ट होंगे। रेडियल स्पॉक किसके बने हुए होते हैं, रेडियल स्पॉक प्रोटीन के बने हुए होते हैं, है ना। इतनी चीज़ें जो हैं ये हम याद कर लेंगे, इसी से हमारे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, है ना। ये ट्रिपलेट अरेंजमेंट होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, इनका काम क्या होता है, सीलिया फ्लैजला बनाते हैं, सीलिया फ्लैजला की बेसल बॉडी बनाते हैं, है ना, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, है ना, सेल डिवीजन कराते हैं, और जिसका सेंट्रियोल्स का जो प्रोटीनिशियस बीच का पार्ट होता है उसको हब बोलते हैं, है ना। और ये ट्रिपलेट जो होते हैं ये किससे कनेक्ट होंगे, रेडियल स्पॉक से कनेक्ट होंगे, रेडियल स्पॉक जो बने होंगे प्रोटीन के बने होंगे, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, है ना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।